बदलेंगे तो आपका वक्त भी नहीं बदलेगा, बड़े रहेंगे ऐसे 4-6 महीने, 7 महीना, 1 साल, 1.5 साल, नेट निकल जाएगा। नेट बहुत टफ परीक्षा नहीं है, टेंशन मत दीजिए, बहुत हल्की परीक्षा है। अगर एक बार हल्का सा भी पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, और साल 1.5 साल 2 साल पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। उसमें क्या नेट हो जाने में क्या है, नेट कोई मुश्किल काम नहीं, नेट निकल जाएगा। लेकिन नेट निकल जाने के बाद आपका सबसे बड़ी चुनौती है पीएचडी में एडमिशन लेना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते, पीएचडी में एडमिशन और उसके बाद अच्छी जगह एडमिशन, अच्छी जगह मतलब जो रॉयल इंस्टीट्यूट हैं, भारत की कुछ चुनिंदा नंबर टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनमें से, तब जाकर आपकी वैल्यू इंप्रेशन बनेगी। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपका वैल्यू कहाँ से, आप कहाँ से रिसर्च करेंगे, कितना एपीआई आपके पास है, क्या क्या कहाँ से पीएचडी करके आए हैं, ये सारी चीजें आप नहीं बनाते चलेंगे तो एक दिन में हो जाएगा। पीएचडी में भी एडमिशन होने के बाद रिसर्च करने की क्या प्रक्रिया है नहीं पता रहेगा तो क्या उस समय जा करके दौड़ के सब कर डालेंगे? अभी तो शुरुआत हुई है, साल 1.5 साल बाद आपकी पीएचडी में एडमिशन होगा, इस साल तो नहीं होगा, अगले साल होगा। जितने लोग पीएचडी, शायद 1-2 लोग कर रहे हो, बाकी सब लोग पीएचडी करेंगे, अब शुरुआत करेंगे। अगर आपका रिसर्च एनरोलमेंट अगले साल होगा तो जुलाई अगस्त से आपका अगले साल से स्टडी शुरू होगा, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क होता रहेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा समय कैसे बीत जाएगा, 2 साल ऐसे बीत जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना रिसर्च वर्क शुरू करेंगे, 2.5 साल अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो बीतेगा। सबमिशन करने के बाद 4 से 6 महीना लग जाएगा इंटरव्यू कंडक्ट होने में, फिर जा करके आपका सब कुछ प्रॉपर रहा तो आज से 4 साल बाद आप पीएचडी, देन आप पूरी तरीके से एप्लीकेंट हो गए, अप्लाई करना शुरू करोगे जा कर। फिर अप्लाई करना इतना सरल, इतना इजी, और फिर उसके बाद एपीआई स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीजों के साथ आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आए, बहुत बड़ी चीज होती है इंटरव्यू कॉल लेटर। इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, फिर आप बैठेंगे इंटरव्यू कॉल लेटर के बाद, फिर आपकी वैल्यू शुरू होगी। तो इंटरव्यू कॉल लेटर आपको आएगा तब आप जाएंगे इंटरव्यू देने, और उसके बाद फिर नॉलेज इंपॉर्टेंट होगा, आपके पास कितना नॉलेज है, एपीआई नॉलेज सारी चीज। 4 साल से पहले नौकरी लगने नहीं, अगर आज भी आप लोग लगेंगे तो, और उसमें भी आप लोग कितने सीरियस से दिख रहे हैं सही में। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वो अपने ऊपर मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा लीजिए अपने ऊपर, हंस दीजिए, बहुत आराम से पढ़ने हैं, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई हो रही है, रिलैक्स कंफर्ट जोन में बैठे हैं, कंफर्ट जोन में पढ़ाई होती चली जा रही है, आज नहीं कल नहीं परसों किसी ना किसी दिन हो ही जाएगा नेट, किसी ना किसी दिन पीएचडी कर डालेंगे, कभी नौकरी लग जाएगी। आपसे ज्यादा मुझे सीरियसनेस रहता, मुझे अब ज्यादा। चलिए किसकी बारी थी, सारा हो गया, नीता योर टर्न। हाँ पुनीता बताइए, संपोषणीय विकास लक्ष्य में कितने जो संकेतक हैं, इंडिकेटर्स रखे गए हैं? सर संपोषणी में सर इंडिकेटर सर एक मिनट मुझे याद, सर उसमें 17 जल्दी जवाब, चलिए हो गया टाइम, हो गया सर याद नहीं आता मुझे, 300 था आगे। देख रहे हो क्या? नहीं सर कहाँ, नहीं सर ऊपर देख रहे, तब याद था, याद था कल ही याद किया। अजय कुमार आपके टर्न, अजय जी सर आप बताइए कि भारत में संपोषण विकास यानी सतत विकास जो कि सन 2002 में WSST द्वारा गठित किया गया, उसका टैगलाइन क्या था? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जमशेदपुर साउथ अफ्रीका 2002। ये तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 में गठित हुआ था, इसमें टैगलाइन क्या था?
नहीं पता ये तो टैग लाइन से नहीं पता सर नहीं पता क्या था एम्पावरिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास ईपीएसडी सर याद है ईपीएसडी हाँ ईपीएसडी ठीक है लक्ष्मी गौतम टोटन लक्ष्मी अनम्यूट करिए आवाज आ रहा है पारिस्थितिक पदचिह्न क्या है पदचिह्न क्या है सर आवाज नहीं आ रही है पारिस्थितिक पदचिह्न क्या है? सर नहीं पता। वीडियो सब लोग खोल लें कल की तरीके से तीन लोगों को लूट करने थे आज के लूट करने का बोलेंगे नहीं नहीं पता सही जिनको जानकारी हाँ तो पता सर मुझे पता है ओके शुभम उत्तर देंगे सर जितनी उत्पादकता हो रही है सर उतनी मानव कितना उसका यूज कर रहा है उसका आकलन जितना प्रकृति की क्षमता है yes, उसकी तुलना में कितना कंजम्पशन yes, है ये देखना yes, चलिए लक्ष्मी हो गया दीपक हो गया शुभम शुभम आपका ही टर्न अरे सर तो आपने ही तो पूछा ठीक है पूछिए सर प्लीज सर पूछिए बोनस पॉइंट था काउंटेड क्वेश्चन था कोई नहीं सर पूछिए What is smog? सर धुआं और धुंध को मिला के सर जो बनता है उसको स्मॉग कहते हैं एक पॉट पॉइंट यू शब्द है जिसमें yes, सर स्मॉग प्लस फॉग ठीक है yes. सही पंकज सिंह पंकज अनम्यूट करिए और उत्तर दीजिए पंकज आवाज आ रही है पंकज पंकज अनम्यूट करिए अनम्यूट आ रही है क्वेश्चन है फलों को व मेवों को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है एक तो गलत जवाब देती ऊपर से चिल्ला रही फलों और मेवों को बस आपके पास 5 सेकंड है जल्दी से उत्तर दीजिए याद नहीं आ रहा सर 4 and 5 एंड टाइम हो गया आपका म्यूट कर रहे हैं आप इसका सही जवाब वाले हाथ उठा दें चलिए यसो टू का प्रयोग सल्फर डाइऑक्साइड सही चलिए ठीक है यशस्वी योर टर्न सर गलत बताया हूँ सही बताया हूँ आपने सही बताया लेकिन अभी हमने आपसे पूछा नहीं था सर मुझे लगा आप मुझसे पूछे थे चलिए अब बता दिए थी हाँ यशस्वी आप बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की मौजूदगी की जानकारी कब और किसने दी सर आप हमसे हमेशा ये भी क्यों पूछ लेते हैं पता है नहीं पता आंसर का जवाब इसका सही जवाब इस क्वेश्चन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को हम शिफ्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जा रहा है फैजा जबी के पास इसका उत्तर दीजिए फैजा जबी अनम्यूट करिए कहिए सर नहीं पता अगर आप 5 सेकंड में अनम्यूट नहीं करेंगे तो मान लेंगे कि आपको नहीं पता 1 2 3 4 सर फिर से पूछिए क्वेश्चन क्वेश्चन है ग्रीन हाउस की मौजूदगी की जानकारी कब और किसने दी सर नहीं पता नहीं पता बताएं सर ये नहीं नहीं जिससे पूछेंगे इस क्वेश्चन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सुभद्रा के पास सर मेरे पास कर दीजिए सुभद्रा
इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पांच सेकेंड है आपके पास, 1 2 3 4। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। इंदु इसका आंसर दो। सर 1824 में जोसेफ फॉरियर ने, ठीक है, राइट, 1824 में जोसेफ फॉरियर ने इसका विकास किया। वीडियो ऑन कर दीजिए, नहीं रिमूव कर लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कल मैंने किया था, और जैसे ही आपका टर्न खत्म हो आप तुरंत अपना म्यूट कर लिया करें। ओके, नाउ यशस्वी का हो गया, माधुरी का हो गया, पुनीता, अंशुला योर टर्न। अंशुला अनम्यूट करिए। अंशुला पहले तो आप रेगुलर क्यों नहीं हो क्लास में? सर लिंक नहीं देखी थी कल। नहीं, टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, लिंक उस समय आ ही जाएगा 10-15 मिनट में अंदर, 4 से 4:30 के बीच में लिंक भेज देता हूँ, लगभग लगभग 4:15-4:30 के बीच में क्लास शुरू कर देता हूँ। बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार अभी क्लास चल रही है, रेगुलर रहिए, क्लास को मिस मत करिए। आप बताइए एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ब्रह्मांड में या सोलर सिस्टम में कहाँ पाया जाता है? सर नहीं है पता। सर नहीं पता। ये क्वेश्चन शिफ्ट कर रहा है सुभद्रा के पास। सुभद्रा वीडियो ऑन करिए। सुभद्रा चांस दिया गया है, बताए आंसर? नहीं पता। सही आंसर बता दीजिए। शुभम बोलिए आंसर। टाइटन। टाइटन सही जवाब है। शनि का ग्रह, उपग्रह शनि का। चलिए नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? चश्मा, अंशुदास, फैजा, कुशवाहा, अजय। अजय कौन है? अजय आइए सामने, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं अजय। वीडियो ऑन करिए। अजय कुशवाहा कहाँ थे इतने दिन, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। अनम्यूट करिए। सर एमए जो है, एमए सेकंड सेमेस्टर की क्लासें जो है ऑनलाइन चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म हो गया, तो पेपर अभी फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब अभी डिसीजन नहीं हुआ कि होगा कि नहीं होगा, जुलाई में बोले हैं, और सेकंड सेमेस्टर की भी क्लासें इसी में स्टार्ट हो गई हैं। तो सर मतलब कि ये 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मतलब क्लास चलती है, आज मतलब नहीं चली, तो मतलब लिंक आया तो हम कहीं क्लास ले लें, सर नहीं ले पाते हैं सर इसी वजह से। और सेकंड सेमेस्टर के भी पेपर होने वाला अगस्त सितंबर में बोल रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ नहीं, सेकंड सेमेस्टर का इसी में, और प्रैक्टिकल असाइनमेंट मतलब ये प्रैक्टिकल वेटिकल भी बनाना रहता है, तनाव ऊपर से सर रहता है। अब जो अगर पता हो तो उत्तर दीजिएगा, नोट तो पढ़ते रहिए, वीडियो तो देख सकते हैं ना। हाँ सर नोट्स देखते हैं और जो है पढ़ते भी हैं, लेकिन मतलब कि काम इतना हो जाता है मतलब कभी कभी मौके ही नहीं मिलता है, उसी में इतना मतलब व्यस्तता हो जाती है। संडे को निकाल लीजिए 3 घंटे 1.5 घंटे 2-2 घंटे की 3 वीडियोस रहती हैं, और 2 घंटा लर्निंग का निकाल लीजिए, 1 सप्ताह में 8 घंटा 9 घंटा निकाल लीजिए, बाकी दिन पढ़ते रहिए। अपना समय निकालने पे समय निकलेगा, नहीं तो इतनी परिस्थिति प्रतिकूल रहेगी ना कि कभी भी जीवन जीना भी दुश्वार लगेगा, ध्यान रखिए, लगेगा कि मर जाए क्या, हर सिचुएशन आपको मरणशील ही लगेगी, कभी भी अपना अपने स्थिति अनुकूल परिस्थिति नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए मुझे आप क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करना, उसका उत्तर दीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड यानी घटक कौन सा है, तत्व? अजी यस सर, ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सही है, पता नहीं, ठीक है, आप सुनते रहिएगा, क्लास सुनिएगा और वीडियो देखिएगा और नोट्स पढ़िएगा। इसका आंसर मैं समझता हूँ सबसे हो गया है, और इसका आंसर जो सबसे ज्यादा हाथ हिला रहा होगा उसी से पूछेंगे, सारे लोग हाथ हिलाए जिनको सबसे ज्यादा पता दोनों बताए, ठीक है, कृति सबसे ज्यादा उछल रही है, अच्छा H2O।
वाटर वेपर है वो। वाटर वेपर सही जवाब है। यस सर। अच्छा चलिए अब इसमें कोई बचा? इंदु, इंदु आपका टर्न है, केवल अकेले आप बचे हैं। वीडियो ऑन करिए, निसाब का वीडियो ऑन रखना जरूरी है। कल तीन बच्चों को आउट किया था मैंने, सिमरन कल से आउट नहीं। हाँ वीडियो ऑन करिए सर, क्वेश्चन के बाद कर लूंगा। बताइए अच्छा कि सबसे बड़ा हरित ग्रह कौन सा है पृथ्वी पर? लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इन द वर्ल्ड, द एडन प्रोजेक्ट। कहाँ स्थित है? कॉर्नवेल यूके। कॉर्नवेल यूके, ठीक है, राइट। ओके इधर सबका हो गया। नाउ गुलशन योर टर्न। गुलशन आप हमें बताइए कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया का नाइट्राइड से नाइट्राइड्स। गुड। हाँ प्रीति आप बताइए कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है, और अभी कल भी क्वेश्चन पूछा था सबसे। नहीं यार सर, कौन बताएगा? हम बताएं सर, हम बताएं, मैं बताऊं सर, कोई भी बता। C3H8। दोनों कैपिटल लेटर में होगा। नेहा बहुत लेट में आने का कारण, आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ सर कुछ काम था तो उसी में बिजी थे तो नहीं आ पाए, लेट में। चलिए अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब दीजिए, आप ही बचे हैं, क्लास शुरू होने वाली थी। यस सर। आप हमें बस पर्यावरण का श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट में कितने भागों में कैटेगराइज्ड है? ये सब लोग चुप हैं, यहाँ को उत्तर देना है। नया फाइनली बताओ बेटा। तीन है। हाँ कौन कौन से? जिस क्या कहते हैं, भौगोलिक, जैविक और सामाजिक। ठीक सही है, भौतिक कल्चर सांस्कृतिक। यस सर कल्चर। गुड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर जिसने सारे क्वेश्चन पे हाथ उठा उसको अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड मिलेगा, अवार्ड आपको ये मिलेगा, क्वालिफाई सबसे बड़ा अवार्ड ये नोटिस कर लीजिए आप। यस सर थैंक यू सर। सर सागर के मध्य में जो छोटे छोटे स्थल खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर जो स्थल खंड जो होते हैं आइलैंड्स होते हैं सागर के मध्य में जो छोटे छोटे स्थल खंड में आइलैंड्स कहेंगे। सब बड़े भी हैं छोटे भी हैं। सर सागर मध्य में जो छोटे छोटे स्थल खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्यूब कहते हैं उन्हें। और सागरों के मध्य में जो छोटे छोटे स्थल खंड होंगे वो छोटे हों चाहे बड़े होंगे ड्यूब कहेंगे, ठीक है ना, आइलैंड्स। हाँ याद नहीं दिलाए। ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होता है बताओ? प्रीति कह रही ब्लैक कार्बन नहीं पूछा तो पूछ लीजिए। ब्लैक कार्बन क्या होता है? बोलिए कल पढ़ाया था, व्हाट इज ब्लैक कार्बन? सर
अंदर कार्बन के वो भारी कण होते हैं जो वातावरण में एक तरह से लटके होते हैं सर, वो होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सस्पेंडेड सूट पार्टिकल्स, एरोसोल पार्टिकल्स और हैवी कार्बन पार्टिकल्स दैट जो कि एटमॉस्फेयर में जो लाइट है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो लाइट वहां की डिम हो जाती है, उस एरिया में जो लाइट की मात्रा में आनी चाहिए वो नहीं पड़ती, सब उसका ड्रॉबैक है, जिससे कि जो ऊष्मा है वो ट्रैप कर ली जाती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी इत्यादि समस्या दिखने लगती है। ये सब कुछ ब्लैक कार्बन से होता है। ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन में डिफरेंस हाँ शुभम बोलिए। यस सर, जैसे नेचुरल हो रहा है तो ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन, ये जैसे कि हम लोग के जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उससे जो निकलता है पोल्यूशन, वो सब ब्राउन कार्बन में आते होंगे। देखिए जैसे एसी वगैरह है इस टाइप से, तो पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि से उनके जलने सर दहन से निकलता है, yes, वो तो ब्लैक कार्बन इत्यादि से, yes, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रासायनिक बायोमास है, तो ऐसे बायोमास या पैडीज को जलाने से जो कार्बन एमिट होता है उसे हम ब्राउन कार्बन कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है, ठीक है ना, वेजिटेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑलराइट, चलिए अब इसमें अब देखिए कितना भी लिखवाया जाए अनलिमिटेड हो जाएगा, और फिर लिखवाते ही चलूंगा तो फिर हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, लिमिटेड ही पढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारी मजबूरी भी रहती है, और जितना पढ़ा रहे वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं आज। Come on, moving to the page number 31. आज ही आज ताजा ताजा तैयार किया है मैंने, एकदम अभी कढ़ैया से निकल के आया है बाहर, दिखाई दे रहा है नोट्स? Okay. Yes, sir. कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, that is प्रदूषण और वायु गुणवत्ता, pollutants और air quality, और कुछ short नोट्स था जिसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं थे, एक दो पॉइंट्स थे उसके अलावा। अब जो मेजर पॉइंट्स इस चैप्टर में है वो यही है जो ये टेबल आपके सामने है, ये टेबल इंग्लिश में है लेकिन अब चूंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हिंदी में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको अपनी कॉपी में हल्के में हिंदी में लिख लीजिएगा, जहां जहां मैं वर्ड सभी वर्ड्स को मैं बता रहा हूँ कि क्या है इसका। तो यहाँ पर मैं आपको कई एक पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स को दिखा रहा हूँ, आप लोग नोट्स ले लो। पेज नंबर क्या है? 31 है। तो यहां पर देखते चलिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम देखेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या, ये सबसे पहली बात उसका स्रोत क्या है, स्रोत का मतलब समझे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो दो प्रकार के सोर्स हम पढ़ाएंगे आपको, एक तो नेचुरल सोर्स और एक होगा एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित स्रोत, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा क्योंकि अब हर चीज का कन्वर्जन मुश्किल था, मैं बोलता चल रहा हूँ, जिनको दिक्कत है वो हिंदी में लिख रहे हैं, एक प्राकृतिक सोर्स और ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स यानी मानव निर्मित या मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिजली के चमकने, लाइटनिंग मतलब बिजली के चमकने, और दूसरा है सॉयल बैक्टीरिया, तो जो मृदा के जीव अणु यानी बैक्टीरिया उनसे उत्पन्न होता है। आपको ध्यान होगा नाइट्रिफिकेशन मैंने प्रोसेस बताए थे जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये बिजली के अणु और जीवाणु जो है वो कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं जिससे प्रोसेस होता है,
तो नाइट्रोजन की में दो तीन बैक्टीरिया भी मैंने आपको मेंशन कराया था, सो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है, लाइट कर लें, दैट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि फिर वो क्लासेस में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। अच्छा ये तो हो गया लाइटनिंग और सोइल बैक्टीरिया, और अब मानोजनित कैसे, मानो किस प्रकार से करता है, तो हाई टेम्परेचर फ्यूल कंबंशन, तो हाई टेम्परेचर फ्यूल कंबंशन, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटी। मैंने आपको एक चीज बताया था, नाइट्रोजन का एक लाइन लिखवाया था, जब मैं ऐसे फ्रेम को मारा मैंने बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है और नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो हाई टेम्परेचर पर उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे विकसित कर, तो हाई टेम्परेचर कैसे होता है, जैसे ईंट भट्टे हैं, ब्लास्ट फर्नेस जिसे कहा जाता है, तो कच्ची मिट्टी के ईंटों को पक्का बनाने के लिए लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए लंबी सी मीनार जैसी एक भट्टा खड़ा किया जाता है, जिसमें नीचे आग को लगाई जाती है, अंदर ईंट को रखी जाती है, और आग की तापमान से ईंट जो है वो पक्के होते हैं, और वो तापमान कहीं ऊपर हट ना जाए इसलिए बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस बना दिए जाते हैं, जिससे कि काफी समय तक तापमान मेंटेन रहे, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर होता है, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर समझ लीजिए, इसी तरीके से एक प्रेशर कुकर टाइप का ईंट भट्टा बनाया जाता है, जिसमें प्रेशर क्रिएट हो और बड़े लेवल पे गर्मी उत्पन्न, मूल उद्देश्य होता है ताप को बढ़ाना, साधारण ताप को 3000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ताप को ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह तापमान एकदम वहां पर बढ़ जाएगा, लेकिन इसी के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन की जो कण है वो टूटेंगे, विखंडित होंगे, और वो ऑक्साइड्स उसके बनेंगे, डेवलप होंगे, तो हाई टेम्परेचर पे ऐसा होता है जो इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, प्लस फ्यूल की कंजम्पशन भी, तो गाड़ी का जब ईंधन दहन करता है तो भी तो यही होता है, और इसी के साथ साथ यूटिलिटी यानी बहुत से ऐसे उपयोग में लाने वाली चीजों में भी जब हम करते हैं, तो बहुत से ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मानवजनित रूप से देखे गए हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जन्म देने, क्लियर हो गया ये बात। अब इससे एनवायरमेंट को क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, तो पहली बात ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ये क्या है, प्राथमिक प्रदूषक माने जाएंगे, प्राथमिक प्रदूषक का मतलब समझ लीजिए जिस जो प्रत्यक्ष उत्पन्न हुए और डायरेक्ट प्रभाव दे रहे हैं, ठीक है ना, और द्वितीय प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक से उत्पन्न होंगे, किसी चीज से रिएक्ट होंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रत्यक्ष हमारे लिए नुकसानदायक है, ये प्राथमिक हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब किसी अन्य तत्वों के साथ मिल करके पैन बनाएं, पेरोक्साइल नाइट्रेट्स बनाएं, तो वो द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी पोल्यूटेंट है, लेकिन वो रिएक्ट होकर जब बनाएगा तो तीसरा जो दूसरा कंपाउंड पैदा होगा रिएक्शन से, उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया अभी था आपको, प्राइमरी और द्वितीयक एक लिखवाया अभी मैंने, तो यहाँ पे कहने की प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन और नाइट्रेट, तो इसके वजह से क्या होता है, एसिड रेन पनपता है, ये मैंने आपको बताया था, नाइट्रेट के पार्टिकुलेट्स, पार्टिकुलेट्स का मतलब समझते हैं, छोटे छोटे कण, पार्टिकुलेट बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, हैवी है तो इनको हैवी पार्टिकुलेट्स कहा जाएगा, यानी हार तत्व बोला जाएगा, ठीक है ना, और लेकिन साधारण रूप से हैवी नहीं है, साधारण अन्य तत्वों के हैं तो उन्हें साधारण रूप से पार्कुलेट कहेंगे, तो नाइट्रेट के पार्कुलेट्स अब एटमॉस्फेयर में घूम रहा है और वो हमारे श्वसन प्रक्रिया इत्यादि से, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस से लंग्स में जाकर हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहीं ना कहीं से हमें नुकसान देगा ही देगा, चाहे जो भी उसको कहा जाए, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, समताप मंडली को नुकसान पहुंचाता है, तो मैंने बताया था कि जो ओजोन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये क्या करेगा, NO ऊपर जाएगा, अब NO ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऊपर कौन है, O3 है, तो अब आप सोचिए NO और O3 का रिएक्शन होगा, NO के साथ क्या होगा, O3, तो O3 क्या है, अनसैचुरेटेड है, क्या निकलेगा,
2O2 क्या बनेगा 2O2 यानी दो कण ऑक्सीजन के, दो कण ऑक्सीजन के भारी है नीचे गिर जाएगा और वहां पे ओजोन विलुप्त हो जाएगा और कहीं दो एनो है तो N2 नाइट्रोजन हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा ठीक है ना। नाइट्रोजन भी चला आया वहां से बन के वो भी कंपाउंड कंप्लीट हो गया। इधर ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन है हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जगह को क्या कहेंगे ओजोन खत्म हो गया यानी ओजोन छिद्र हो गया, उसे क्या कहेंगे ओजोन छिद्र होना, ओजोन होल होना। और इस प्रकार से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नुकसान करता है जिसके वजह से हेल्थ इंपैक्ट, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि क्योंकि बताइए क्योंकि क्या होगा अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी और वो पृथ्वी के ऊपर गर्मी पैदा करेगी, परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हेल्थ इंपैक्ट होने लगे, स्किन के अंदर तमाम चीजें होंगी, ये सारी चीजें। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस किस तरीके से खतरनाक, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा केमिस्ट्री पॉइंट से समझ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपने केमिस्ट्री जैसे भी पढ़ी हो ये केमिस्ट्री के ही पॉइंट्स हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। अजय आप मुझसे पूछ रहे थे सुबह के सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं कि निम्न में से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन टू जस्ट मतलब इसी तरह से रहेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या प्राथमिक प्रदूषक के रूप में ये स्मोक का फॉर्मेशन करता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। या और क्वेश्चन क्या होगा कि मानोजेनिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोइल बैक्टीरिया होगा, लाइटनिंग होगा, हाई टेम्परेचर फ्यूल कम्बशन होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगा, ऐसे ऑप्शन रहेंगे, समझ रहे ना। इस तरह से ऑप्शन बन के आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, क्लियर Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। Now, अब है पार्कुलेट मैटर्स, पार्कुलेट्स मतलब छोटे छोटे का, अभी पार्कुलेट में हैवी जोड़ दो तो भार तत्व हो जाएगा, ठीक है ना, छोटी छोटी का। अब ये पार्कुलेट्स कैसे उत्पन्न होंगे, नेचुरल सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स में फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, तो जंगल की आग जब जलेगी तो फिर क्या होगा कि वहां पे ब्राउन, ध्यान से समझिए, ब्राउन कार्बन निकलेगा। अब जंगल में आग लगे लकड़ी जलेगी, बायोमास जला, बायोमास जला क्या होगा, क्या निकलेगा, सूत निकलेगा, कैसा सूत होगा, ये लकड़ी का सूत है, पेट्रोल वाला सूत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कौन से, तो ये लकड़ी वाले ब्राउन कार्बन हो गए, इधर एटमॉस्फेयर पैडी जल रही है तो पैडी जलाने तो क्या हो रहा है, पैडी जलाते तो वो भी कार्बन है, लेकिन वो कौन सा कार्बन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन है, तो इसलिए ये पर्कोलेट्स कहे नहीं। तो एटमॉस्फेयर विंड इरोजन, अब विंड क्या है, हवा के चलने से, हवा के बहाव से, हवा के कटाव से, वोल्केनिक इरप्शन से, तो प्रकृति में देखा गया वोल्केनिक इरप्शन होता है यानी पृथ्वी के गर्भ में जो मैग्मा लावा है जो फूट के बाहर आता है तो उसमें भी छोटे छोटे पार्कुलेट्स कण से एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर को क्षति पहुंचाएंगे, क्लियर हो रहा है, समझ रहे, ओके। नाउ अगला है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, मानोजनित, मानोजनित में कंबंशन ऑफ बायोफ्यूल्स। अब मानवजनित में मैंने अभी बताया कि भाई बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स क्या है, लकड़ी क्या है, बायोफ्यूल है क्योंकि वो जैविक है, जीव तत्व है और उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो लकड़ी जो है वो बायोफ्यूल है, लेकिन कोयला क्या है, वो फॉसिल फ्यूल, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सोचेंगे हाँ वनस्पति निक्षेप है, वो निक्षेप है, वो फॉसिल्स है, वो वनस्पति निक्षेप है, ठीक है, लेकिन वो फॉसिल्स है, जीवों के अंश में दबे सड़े ना पाए उस प्रकार से फॉसिल्स के अंतर्गत होते हैं। इसी तरह से लकड़ी के जलने से, फॉसिल फ्यूल्स के भी जलने से, कोयले और डीजल के जलने से, ये सब कुछ पार्कुलेट मैटर्स निकालते हैं, तो यहाँ पर ये मानोजनिक कहा जाएगा स्रोत। इनसे नुकसान क्या है, रिड्यूस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी, जाहिर सी बात है जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पार्कुलेट मैटर्स हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, पार्कुलेट मैटर्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो लाइट डिम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कल आपको एक वीडियो जो दिखाया था मैंने, उसमें आपको उन्होंने भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था कि लाइट को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, जिससे लाइट डिसॉल्व हो जाएंगे तो उस एरिया में लाइट आपको कम मिलेगी और इस प्रकार से विजिबिलिटी लो हो जाएगी। अभी क्या होता है कि जब स्मॉग फॉर्मेशन होता है या बहुत ज्यादा पार्कुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पार्कुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में कैसे हो जाएगा, धुआं से, कंबंशन से, गाड़ी गाड़ी है उसको हम चला रहे हैं, वो
कोयला उसको जला रहे हैं। तो जनरली क्या होता है शहरों में गाड़ियों की वजह से बड़े लेवल पे कंबंशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, जिससे कि बहुत पार्कुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर में जाता है। तो अब दिल्ली ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स भरे हुए हैं, परिणाम से पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, पार्कुलेट बहुत ज्यादा टहल रहे हैं, पार्कुलेट मैटर इतने ज्यादा हो गए कि कालापन ज्यादा हो गया, सूर्य की रोशनी कम आ रही है और उससे वहां पर एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो इसी को एक प्रकार से देखा जाए तो विजिबिलिटी लो होने की वजह से यहाँ तक इस तरीके से नुकसान हो जाता है कि हवाई जहाज का रोक दिया जाता है, उड़ना रोक दिया जाता है, फॉग हो गया, हमारे लिए धुंध आ गया है। तो फॉग और स्मोक दोनों जब मिल जाएगा तो क्या होगा, धुंध अब ज्यादा ऊपर नहीं, स्मोक ज्यादा ऊपर नहीं जाने, टहल नहीं पाने, वो रुक गए, कण उसके सस्पेंड कर जाएंगे इधर उधर, क्योंकि वो पानी के साथ अब भारी होकर आसपास के चमक रहे, इधर उधर ज्यादा फैल गए। तो पता चलेगा धुंध भी है, धुंध में ऐसे ही नहीं दिख रहा है और काले धुंध हो जाएंगे तो बिल्कुल कोहरा, काला काला कोहरा, एकदम कुछ नहीं दिखाई देगा। और थोड़ा सा ऊपर जाकर पूरा एटमोसफेयर को वो कर देगा तो आपको सन की लाइट भी ठीक से नहीं आएगी, बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। अभी बीजिंग में 2-3 साल पहले इतनी भयंकर स्थिति थी कि वहां पर सस्पेंड कर दिए गए थे, कोई भी हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ाया जा रहा था। ऐसा भारत में भी कई बार हो जाता है कि भाई इतना ज्यादा कोहरा, कोहरे से और जब उसमें धुंध में काले पार्टिकल्स जब मिक्स हो जाए तो फिर वो जगह विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, विजिबिलिटी ही ब्लॉक हो जाएगी तो फिर हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, दिखेंगे ही नहीं आगे, तो समझ ही नहीं आएगा, यहाँ तक कि ट्रेन तक रुकना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है धुंध में ठंड में, ये बड़ी स्थिति होती है जो पार्कुलेट की वजह से होता है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि श्वसन जब हम करेंगे तो ये जो काले काले पार्टिकल्स हैं, ये सूत हैं, ये हमारे नाक में, नेजल्स में, विंड पाइप में जाके जम जाएंगे। अब फिर उसके बाद हमको एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी, कार्डियोरी प्रॉब्लम्स होंगी, हार्ट की डिजीजेज होंगे, लंग्स के डिजीज होंगे, और फिर लंग्स का डिजीज अगर बढ़ जाए तो मौत हो जाती है। अभी आपको कोरोना में क्या होता है, लंग की डिजीज बढ़ जाता है जिससे इंसान मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये रिड्यूस हो गया ह्यूमन, इसके बाद ब्लैक कार्बन पार्कुलेट्स कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग में ब्लैक कार्बन जो है वो ज्यादा प्रभावी है। भाई ब्राउन कार्बन से थोड़ा कम प्रभावी होता है क्योंकि वो जल्दी डेड हो जाता है, तो ब्राउन कार्बन वो लेस इफेक्टिव है, लेकिन ब्लैक कार्बन ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए देखा गया ग्लोबल वार्मिंग का ये प्रमुख तत्व में बदलने लगता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स समझ में आ गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट्स, क्लियर? किसी को इन दोनों पॉइंट पे कोई भी बात पूछनी है, माधुरी कहाँ है, वीडियोस ऑन करो, सबको उठा कर गायब कर देंगे। सबसे पहले इंदु को हटाने जाने, इंदु यू आर गोइंग टू बी रिमूव, 5 सेकेंड है, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा नहीं डरे, डर गए, चलो डर गए तो ठीक है। माधुरी कहाँ है, कहाँ गई, गायब हो गए माधुरी? चलिए आप लोग सबको समझ में आया, क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है? राजकुमार बहुत लेट में आए, क्यों आए इतने लेट में क्लास में? सर नहीं जुड़े थे सर, बारिश भीग गए थे, अभी थोड़ा बाहर से आ रहे थे ना तो भीग गए, बारिश हो रही थी। अच्छा चलिए, अरे सर एक सवाल इसमें ये था मेरा, बोलिए। जैसे सर आपने एक बच्चे को उदाहरण दिया था, उसमें जो नाइट्रोजन के अणु सर वो आप O3 में जब NO जाके मिलेगा ओजोन में तो क्या O4 नहीं होता, O2O क्यों लिखा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, है तो ही आप जान लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक O4 क्या है, O2 एक कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, जब कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब जब O4 है तो दो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएंगे, तो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएंगे तो 2O2 में बदल जाएगा, वो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब केमिस्ट्री है ये, अब इस पर हमसे मत पूछिए। वो सर वो क्या है पीडीएफ ब्लॉक्स है तो उसमें है क्या ये सवाल? क्या बोल रहे हो, आवाज बहुत नहीं आवाज आ रही आपकी सर। केमिस्ट्री में पहले हम लोग 10th में पढ़ते थे जो SPDF के ब्लॉक्स होते थे, फिल करने होते, तो वही वाला है क्या ये, इसीलिए 2O2 लिखा जाता है क्या? आपकी
क्या पूछते हैं, अरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को O2 कहते हैं, 2O2 का मतलब भी ऑक्सीजन के बाद वो नहीं होता है। अब ये तो बच्चों वाली केमिस्ट्री आप मत पूछिए, अब इसके लिए क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था सर, ये नाइट्रोजन के अणु जब जाते हैं तो सर नाइट्रोजन के अणु क्या होते हैं सर, वो नीचे आते हैं वापस कि उसमें लपट जाते हैं? अरे भाई जैसा मास है, मतलब जिस हिसाब से भार तक भारी है उस हिसाब से एटमॉस्फेयर में वो नीचे तक आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी है तो सबसे जमीन से चिपक जाएगी एकदम, ऑक्सीजन थोड़ी कम भारी है कार्बन की तुलना में, लेकिन वो भी भारी है, इसको हमारे एटमॉस्फेयर में यानी एकदम नीचे ट्रोपोस्फेयर में रहेगी, फिर ऊपर जाएंगे नाइट्रोजन की मात्रा ऊपर तक रहेगी, और जो और हल्की है ऊपर रहेगी, तो जैसे जैसे जो हल्का है वो ऊपर रहेगा ना, और जितने जो भारी है नीचे आएंगे। जैसे आप बलून देखते हैं, जो गैस बलून होते हैं वो हल्के होते हैं, तो आप देखिए एकदम फ्लोर से टच करेंगे ऊपर उठ के, और जबकि आप साधारण जो बलून रखते हैं वो क्या करता है, वो नीचे जमीन पे ही रहेगा आपका, ठीक है, वो उसके हिसाब से नीचे, ठीक, क्लियर। अनम्यूट पहले, आवाज आ रही है? माधवी अनम्यूट कर लीजिए, माधवी आवाज कर लीजिए, गेटिंग माय वॉइस नहीं आ रही। पहले सबको प्लीज म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। सब लोग एक पंखा चाहिए गधा बार सर। हाँ माधुरी आवाज आ रही है बेटा? माधुरी आर यू गेटिंग माय वॉइस? पंकज ठीक है, तुम चुप रहो, पता नहीं क्या है। चलिए माधुरी कनेक्शन लगता है, वहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो जनरली आपने पढ़ा है, अब यहां पर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्राकृतिक रूप से निकलना है वो है वोल्केनिक इरप्शन और सड़न। तो जब कोई चीज सड़ता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, सल्फर गैस होती है वो बदबू बहुत करती है, और वोल्केनिक इरप्शन पृथ्वी के अंदर जब विस्फोट होता है, पृथ्वी के अंदर का लावा मैग्मा जब निकलता है तो उसमें बड़ी मात्रा में सल्फर का उद्भेदन होता है। अब यहाँ पर हम मानव जनित देखें तो कोयले के जलने, कोयले का कंबशन होता है तो बड़ी अजीब सी गंध महसूस होती है, वो सल्फर का ही होता है। और स्मेल्टर्स, तो जब ओर को जब स्मेल्ट किया जाता है तो इसको देखा जाता है। ओर क्या है, ओर क्या होता है, और क्या होता है बताइए, और क्या होता है कोई बताएगा? सर मेटल होता है जो सॉलिड का होता है, ऊपरी एक नेचुरल रॉक होता है यानी पत्थर होता है, ये एक्चुअली मिनरल्स है एक प्रकार से, तो वो सेडिमेंट होते हैं काफी समय के बाद धीमे धीमे, वो जिनके अंतर्गत हम मेटल्स निकालते हैं यानी जिनमें हम एक मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, धातु को बोलते हैं सर। माइन के अंतर्गत खदानों में ये चीजें पाई जाती हैं पत्थर के रूप में, पत्थर से पत्थर को मतलब बहुत ही फाइनेस्ट स्थिति में धीरे धीरे ला करके उसको मेल्ट करके हम मेटल्स को आउट करते हैं, तो उसमें भी सल्फर बड़ी मात्रा में देखा जाता है, ठीक है ना, उसे कहेंगे ओर स्मेल्टर। सर कच्ची धातु बोलते हैं सर हिंदी में,
जी क्या बोले? कच्ची धातु। हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है सल्फर के बाद यहाँ पे इसका एसिड रेन। तो कैसे सल्फर का भी एसिड रेन में मैंने आपको बताया था, एसिड रेन के माध्यम से मानव पर प्रभाव डालता है। चलिए अगला है ओजोन। ओजोन इसको आपने पूरा पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, दो पेज का इसमें मैटर भी मैंने दिया भाई। प्रकृति में कैसे इसका उत्पन्न होता है, तो लाइटनिंग के माध्यम से यानी बिजली के कड़कने से, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द ट्रोपोस्फेयर, और पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणों से जो रिएक्शन होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में यानी भौममंडल में सूर्य की किरणें जब आती हैं तो फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन से ओजोन उत्पन्न होता है, यानी ऑक्सीजन का विखंडन और ओजोन का निर्माण होता है। अत्यधिक गर्मी और ताप से यह देखा गया है ओजोन उत्पन्न होता है। यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ओजोन और कैसे पैदा होता है, मानव के द्वारा जब स्मॉग है, स्मॉग क्या है, मानव निर्मित हो रहा है, स्मॉग जनरली क्या है, मानव निर्मित हो रहा है, ठीक है। कैसे, जो हमने सूत पार्टिकल्स निकाले, धुएं हमारे धुएं काले काले कण कार्बन को लेकर टहल रहे हैं, उसमें फॉग मिल गया और फॉग के साथ रिएक्शन होता है जब, तो ओजोन उत्पन्न, उस प्रकार से मानव जनित ओजोन हुआ। अब इसका क्या है प्रभाव, डैमेज टू प्लांट्स, पेड़ पौधों को नुकसान, क्योंकि भाई अनसैचुरेटेड एलिमेंट है, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो कहीं ना कहीं से वो हर तरीके से नुकसान करेगा ही करेगा, क्रॉप्स को, फसलों को नुकसान करता है। मैन मेड प्रोडक्ट्स यानी मानव जनित उत्पाद जो भी मानव द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, जैसे टायर है, अक्सर देखिए इसमें के टायर जो है वो उसमें फटन दरारें पड़ जाती हैं काफी समय तक रखे रहते हैं, क्योंकि ओजोन क्या करता है, टायर के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे उसको वो एक प्रकार से डिफ्यूज करता है, उसके अंतर्गत से जो मॉलिक्यूल्स उनको लेकर के वो अपने आप को फ्री हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो टायर को नुकसान करता है। ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, मानव के हेल्थ के लिए तो हानिकारक है ही है, ठीक है। अब आइए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पे चर्चा कर लूं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे प्रकृति में होता है, ये अननोटिसेबल है, यानी ये अभी ज्ञात नहीं है। मानव के द्वारा रिच स्टोइकोमेट्रिक कम्बशन, जब काफी अच्छी तरीके से कम्बशन हो जाता है, ज्वलन हो जाता है, तो जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मेनली फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल्स अगर अच्छे से कार्बन का दहन कर रहे हैं, मतलब अच्छे से पूरे पेट्रोलियम पदार्थों का दहन करेगी, तो जो लास्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ध्यान रखिए। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, मानव को हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखा गया कहाँ से, प्रकृति में देखें तो भाई जानवर है और रेस्पिरेशन करते हैं, तो बहुत से जानवर उनके रेस्पिरेशन से, चीजों के सड़ने से, रिलीज फ्रॉम ओशंस और समुद्र में इतने जीव जंतु में, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। अगर हम मानव जनित देखें तो फॉसिल के फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम पदार्थ, वुड कंपंशन यानी लकड़ी के जलने, और मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है ये आपको पता ही है, इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस के दृष्टिकोण से नुकसानदायक है। नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, अब जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो मीथेन से रिलेटेड नहीं है, उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से, या अध जले कचरे यानी ठीक से जो जल नहीं पाते उनमें सॉल्वेंट यूटिलाइजेशन, या जो अब यहाँ पे ये सब समझ लीजिए कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि काजल बना है, तो वो भी क्या एक प्रकार से नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि उसमें हम किसी भी तेल को जला करके उससे निकाल रहे हैं, तो मीथेन ना भी जल रहा है लेकिन नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन के माध्यम से हो गया है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग, तो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर मीथेन की बात करेंगे, मीथेन वैसे भी आपने पढ़ा है, एनारोबिक डिके यानी कि जो जीव तत्व हैं जब उनके सड़ते हैं, उनके सड़ने से, कट च्यूइंग एनिमल्स, कट च्यूइंग यानी जो चबाने वाले एनिमल्स होते हैं, चबाने क्या है, जैसे गाय भैंस है वो चबाते हैं, तो
वो चीजें वो चारा को मुंह में चबाएंगे और तब खाएंगे, तो ऐसे जानवरों को कड च्यूइंग एनिमल्स कहा जाता है। तो उनके द्वारा क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भोजन को अच्छे से क्या करेंगे, उसका पाचन कर देंगे, तो अच्छे से भोजन पच जाएगा। तो उनके द्वारा जब डंक दिया जाएगा यानी कि जब वो वेस्ट निकालेंगे तो वो वेस्ट जो है वो अच्छे से पचा हुआ होता है और उनमें मीथेन मात्रा में देखते हैं। ऑयल वेस्ट यानी जहाँ तेल के कुंड वगैरह है, तेल जब निकाले जाते हैं उनमें भी मीथेन निकलता है। और मानव जनित में तो नेचुरल गैस लीक, अभी आप जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीथेन प्रोपेन टीन कई चीजों का मिश्रण है। अभी ये जो नेचुरल गैस है जो आप अपने घर में इस्तेमाल हो रहा है उसको खोल दीजिए तो मीथेन निकल जाएगा इधर उधर। कंबंशन और जलने पर भी मीथेन उत्पन्न होता है और उसके बाद क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एक प्रमुख घटक में से। इसके बाद सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक्चुअली सीएफसी पे भी डिटेल आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका विकास मानव ने ही किया यानी प्रकृति में नहीं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि किस चीज का, कौन सी चीज प्रकृति में ओपनली नहीं पाई जाती, अननोटिसेबल नहीं है, नहीं पाई जाती। तो ये सीएफसी जो है वो प्रकृति में अननोटिसेबली या नहीं है, बल्कि ये नहीं अपने आप स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, इसका विकास तो मानव ने किया। सॉल्वेंट्स के माध्यम से एरोसॉल, प्रोपेलेंट और रेफ्रिजरेटर, अभी सीएफसी पढ़ाऊंगा वहां पूरा डिटेल बताऊंगा। प्रोपेलेंट क्या होते हैं, प्रणोदक होते हैं जो हवाई जहाज में ईंधन वगैरह, हवाई जहाज कहते हैं जो रॉकेट को छोड़ने के लिए जो ईंधन भरे जाते हैं उस ईंधन में सीएफसी का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर से यानी ठंड जो शीत शीत करने के शीतक जो कहा जाए ठंडी करने वाले जो अप्लायंसेज होते हैं जैसे फ्रीजर्स हैं, फ्रिजेस हैं, तो इनमें क्या जो गैस भरी जाती है उसमें सीएफसी कॉमन होता है। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यह बात तो क्लियरली है कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का तो ये सीएफसी बहुत बड़ा नुकसानदायक था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। पहले इसको बनाया गया था बड़ा सोच विचार करके, सीएफसी हो गया बहुत बड़ा विकास हो गया है, लेकिन बाद में देखा गया बाप रे बाप विकास तो कम कर रहा है विघटन ज्यादा कर रहा है, इसलिए इसको फिर खत्म कर दिया गया सीएफसी को। अभी सीएफसी पे और डिटेल आ गया आपको अगले चैप्टर में पढ़ूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सर? फोटोकेमिकल क्या होता है? फोटोकेमिकल तो जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो केमिकल से रिएक्शन होता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं जो केमिकल से रिएक्ट करती हैं उन्हें फोटोकेमिकल्स कहा, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके जैसे ओजोन को अपना होता है, तो केमिकल्स का रिएक्शन करके फोटोस यानी जो फोटोस यानी कि जो सूर्य की किरणों से निकलने वाले जो पावर आयंस हैं वो जब रिएक्ट करते हैं केमिकल्स के साथ तो उन्हें हम फोटोकेमिकल, ठीक। और कुछ? चलिए फिर देखो सब लोग चुपके चुपके अपना अपना वीडियो ऑफ कर लिया, ठीक है। चलो एक झटके में जाए करना, एक जगह पता चल जाएगा। सबसे पहले हिंदू रिमूव करना, हिंदू रिमूव, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, हाँ ठीक है आ गई। देख हम मजाक नहीं कर, सीरियसली सुभद्रा, कल तीन लोगों को हमने गायब किया है, सुभद्रा आ गई, अजय अजय आज आए हो, फिर आज कहो तो गायब कर दें एकदम लोग, अब कोई भी ऐसा ना हो। अब अलग बात है कि क्लास में जो बैठा है उसकी बात अलग है, वो तो क्लास में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज था, इसको एक पन्ना मत समझिएगा, इसमें बहुत सी बातें थी। आप लोग सोचते हैं पन्ना एक तो हुआ दो तो हुआ, पन्ना पढ़ना हो तो रीडिंग मार, लेकिन ये पूरी केमिस्ट्री है और आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, पढ़ी भी थी तो उसको रटा था केवल एग्जाम में, और अब कक्षा छह की पढ़ाई हम फिर से करा रहे हैं। तो कितने पुराने पहले आप कक्षा छह पढ़े थे भाई, हाई स्कूल इंटर पास करे कम से कम सात आठ साल हो रहा होगा, बुढ़े लोग हो गए हो तो भूल तो गए हो बच्चों वाली पढ़ाई, सब कराना पड़ेगा ना हमें। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पर व्यक्त शिक्षा केंद्र खोल रखे हैं, प्रौण शिक्षा केंद्र ही है, सभी प्रौण लोग बैठे हुए हैं हमारे पास। नेक्स्ट हाँ नोट्स दिख रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिख रहा है, ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे वायु की जो गुणवत्ता है उसके मानक के ऊपर पहले यहाँ खराब है, इससे पानी में दूसरा दिन नाल दूसरे दूसरा ही दिन पानी में दिख रहा है, नहीं तो कितना
तो आराम से करिए सुबह रात। हाँ अजय कुमार यादव आप भी अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट करिए, अनम्यूट म्यूट करिए। हाँ कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, जब पूछना होगा तो मुंह खोलेगा, बाकी लोग चुपचाप कान खोल के सुनेंगे जो मैं बता रहा हूँ। मैं कथा बात हूँ, आप लोग कथा सुनूंगी। ऑलराइट, बाद में जो इच्छा हो आप हमें दान दक्षिणा चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा जारी परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों और दिशा निर्देशों वायु गुणवत्ता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। ऐसे कानून का एक उदाहरण पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा अपनाई गई यूएस नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि एयर की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, वायु की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक बनाया गया, ठीक है, वायु की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक कानून बनाया गया, वहां पर संरक्षण एजेंसियों के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों के माध्यम से उस कानून का नाम था यूएस नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य प्राथमिक मानक और लोक कल्याण माध्यमिक मानक, यानी दोनों पर लागू होता है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य जो कि प्राथमिक है और लोक कल्याण यानी समाज विश्व के सभी लोगों के दृष्टिकोण से, तो मानव और मानव से रिलेटेड जो कल्याणकारी कार्य है उन सब से दोनों के लिए लागू होते हैं। प्राथमिक मानकों मानदंड वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से मानव आबादी के संवेदनशील सदस्यों की रक्षा करते हैं, यानी जो प्राथमिक मानक है जो मानदंड है वो वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव, यानी एयर के पॉल्यूशन से जो प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव है, हम देख रहे हैं अपना म्यूट नहीं कर रहे हैं, आवाज म्यूट रखिए, आप नहीं आनी चाहिए क्लास डिस्टर्ब। हाँ, तो प्राथमिक मानक क्या है, प्राथमिक मानक मानदंड वे हैं जो वायु प्रदूषण के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से मानव आबादी के संवेदनशील सदस्यों की रक्षा करते। माध्यमिक मानदंड किसी भी ज्ञात या प्रत्याशित प्रतिकूल प्रभावों से जन कल्याण की रक्षा करते हैं जो परिवेशी वायु में प्रदूषक की उपस्थिति से जुड़े होते हैं। तो जन के कल्याण के लिए और मानव की आबादी के संवेदनशील सदस्यों की रक्षा, दो अलग अलग टर्मोलॉजी है, यानी प्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव से जन कल्याण, यानी प्रत्याशित एक बात को समझिएगा, प्राथमिक मानदंड में उनको रख रहे हैं जिनसे मानव की आबादी सुरक्षित रह सके, और माध्यमिक मानदंड में उनके जो ज्ञान है या जो प्रत्याशित है या जिनसे हो भी सकता है प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, ऐसे प्रत्याशित प्रभावों को जन के कल्याण की रक्षा के लिए परिवेशी में, यानी जन के कल्याण की रक्षा के लिए जो उसके सारे परिवेश में आ, यानी सिर्फ मानव नहीं, मानव से जुड़े हुए जो भी उसके परिवेश में आ, पूरे एनवायरमेंट, मानव के सभी एनवायरमेंट, तो पहले वाले में सिर्फ मानव और दूसरे यानी माध्यमिक मानदंड में मानव के परिवेशी में, माने मानव के एनवायरमेंट में जुड़े हुए जो भी तत्व आते हैं उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्राथमिक मानक का मतलब हो गया सिर्फ मानव से संबंधित आबादी से, जबकि माध्यमिक मानदंड क्या है वो परिवेशी वायु जो मानव से संबंधित परिवेशी मंडल यानी कि मानव से रिलेटेड टू कोरिलेटेड एनवायरमेंट, उन सबको इसके अंतर्गत रख दिया जाता है। तो इन दोनों मानकों, इन दोनों तत्वों का अध्ययन करने के लिए ये कानून बनाया गया। उसके बाद 1990 के अमेरिकी स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत नैक मानकों में निम्न 6 मानदंड प्रदूषकों के अधिकतम परिवेश एकाग्रता सीमाएं शामिल हों, जो इस प्रकार है। तो अंडर द यूएस क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1990 मैं आपसे क्वेश्चन जब कल पूछूंगा और आप हमें जवाब देंगे कि यूएस क्लीन एक्ट 1990 में पारित हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके तहत 6 ऐसे प्रदूषकों के मानदंड बनाए गए, यानी 6 प्रदूषकों को इन्होंने सेलेक्ट किया, और वो 6 प्रदूषक कौन कौन से हैं, पहला मिस्टर ओजोन नहीं बल्कि वो क्या रामनाथन हो जाएंगे, लेकिन ओजोन O3,
और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा लेड, पांचवा पीएम प्रधानमंत्री मोदी, नहीं ये नहीं होगा, भारतीय मैटर, और छठा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन SO2, SO3 सब हो सकता है, इसीलिए SOX लिखा गया है। X का मतलब हो जाता है ऑक्साइड्स, ध्यान रखिएगा SO सल्फर है और X दिख दिया तो ऑक्साइड्स, बात समझिए SOX ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऐसे ही NOX लिख देंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लीजिए, जहां X है उसका क्या मतलब। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए सर, लेकिन आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ये हमारी समस्या है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के SOX का मतलब हुआ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ये छह ऐसे प्रदूषक थे जिसको 1990 में अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकी स्वच्छ वायु अधिनियम पास करते हुए इन छह जो प्रदूषक थे इनके लिए जो है कुछ कानून बनाए गए, तो इनको लिमिटेशन लगाए गए कि इनको कम से कम इसका कम से कम उत्पादन हो, इस पर रोक लगाया जाए, ऐसी फैक्ट्री ऐसे कल कारखाने या मानव जनित ऐसे क्रियाएं जिनसे कि ये सभी छह उत्पादन और अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहा हो। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मैं लेड की बात करूंगा, मैंने आपको पेट्रोलियम पदार्थ पढ़ाया था, उसमें बताया था कि लेड पर रोक लगा दी गई, लेडेड पेट्रोल बनाया गया। एक्चुअली हुआ ये मानव इतिहास में चर्चा कर लेते हैं, मानव इतिहास में बहुत बढ़िया बात की कि पेट्रोलियम पदार्थ का विकास होता है, और जैसे पेट्रोलियम की खोज हो गई तो पेट्रोलियम का प्रयोग फिर हमने गाड़ी के इंजन में डालना शुरू किया, देखा गाड़ी भी तेज भागने लगी, और गाड़ी तेज भागने लगी तो इंसान भी तेज भागने लगा, क्योंकि पहले बैलगाड़ी में चलते थे और नाव पे चलते थे, तो नाव से और बैलगाड़ी से कितनी सफर हो सकती थी, लेकिन जब हमने इंजन का विकास कर लिया गाड़ी का विकास हो गया। अब पता चला कि तेल मिल गया और तेल को हमने अपने गाड़ी में डाल दिया, तेल डाला तो देखा कि जैसे ही तेल को डाला हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर भाग गई, हमने कहा भैया बहुत बढ़िया 40 किलोमीटर चल रहा है, एक लीटर में 40 किलोमीटर चल रहा है। फिर उसको संशोधित किया गया और मानव ने क्या किया उसको और परिष्कृत करते हुए 50 किलोमीटर रफ्तार बढ़ा दी। तो फिर विकास के दौर में ये शुरू हुआ कि किसी भी तरह से जो है कंबंशन की मात्रा बढ़ाई जाए जिससे कि आउटपुट बढ़े, तो पेट्रोल कम खाए गाड़ी और ज्यादा से ज्यादा वो माइलेज दे, तो ज्यादा से माइलेज के दृष्टिकोण से एक अद्भुत विकास हुआ और वो था लेड। ये देखा गया कि जैसे ही लेड के पार्कुलेट्स को, पार्कुलेट जब वर्ड बोलूं तो समझ जाएगा छोटे छोटे कण, तो लेड के पार्कुलेट्स को पेट्रोल में मिलाया गया। अब पार्कुलेट्स को पेट्रोल में लिक्विड में इस भार तत्व को मिलाया गया, सोचिएगा ठीक है, इतने छोटे छोटे पार्कुलेट्स, अब ये पार्कुलेट्स को मिलाया गया तो देखा गया एक अविश्वसनीय खोज, जो गाड़ी एक लीटर में, ठीक है, एक लीटर में 50 किलोमीटर चल रही थी वो 100 किलोमीटर, बड़ी खोज हो गई, मानव बहुत खुश हुआ, तो अरब कंपनियों को बड़ा घाटा हुआ, चलो भाई हम तो कच्चा तेल दे रहे हैं, अब सरकार ने कहा भाई तुमसे ये तेल, तुमसे लेडेड नहीं लेंगे, तुमसे कच्चा तेल लेंगे और हम इसमें लेड, सरकार सभी सरकारें उस समय लेड बहुत बड़ी खोज थी, तो विश्व के सभी सरकारों ने क्या किया उसमें लेड मिला करके तेल का प्रयोग करना, और लेड मिलाने से फायदा और था कार्बन का एमिशन कम होने लगा, क्योंकि आप कम पेट्रोल इस्तेमाल होगा तो कार्बन एमिशन भी कम हुआ, तो इसको स्वीकृति मिल गई, इसको स्वीकृति मिल गई कि भाई ठीक है इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं दिख रहा है क्योंकि कार्बन का एमिशन कम हो गया। अभी जो एक लीटर पेट्रोल खाया जाता था तो अब हम आधे लीटर पेट्रोल में उतना आउटपुट दे रहे हैं, तो इसके वजह से लेडेड पेट्रोल हर जगह बिकने लगा, तो फिर लेडेड पेट्रोल का दौर चला। 20 साल बीत गया, अचानक देखा गया कि डॉक्टर की दुकान के बाहर बहुत लाइन लगी है, क्लिनिक के बाहर बहुत लोग खड़े हैं, अधिकतर लोग थे वो टीवी की बीमारी से ग्रसित थे। ये 1990 के दशक की बात बता, 80 से 90 के दशक में बड़ी डेवलपमेंट था और उसी समय स्थितियां थी, तो देखा गया भाई क्या हुआ, क्या टीवी की प्रॉब्लम, अच्छा इसको क्या हुआ टीवी की प्रॉब्लम, इसको क्या हुआ टीवी प्रॉब्लम, अच्छा टीवी देखा नहीं, टीवी नहीं देखा, ये ट्यूबल प्लस वाली प्रॉब्लम थी, तो ये अच्छा चाहिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जब एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि फेफड़ा पूरा सूजा हुआ है, फेफड़ा कैसे सूजा है, जैसे फेफड़े का एक्सरे लेना शुरू किया, देखिए उसमें लेड और लेड कैसे घुसे हैं पूरे विंड पाइप में जाकर छपके हुए, बुलेट्स लगे, बुलेट समझ रहे हैं जैसे कि गोली लगी, अच्छा ये भारतत्व थे तो इनको पूरे पूरे को निकालना पॉसिबल नहीं। अब पता चला है कि पूरा फेफड़ा सड़ गया, जख्मी हो गया, सूज गया है, अब फेफड़ा सड़ गया इंसान मरने लगा। ये देखा गया कि जो शहर में रहते थे वो जल्दी मर रहे,
और जो गांव वाले हैं वो लोग सुरक्षित हैं क्योंकि गांव में तेल दौड़ा नहीं, लेकिन पेट्रोल वाली बात की नहीं। तब फिर बैन किया गया और उसी के तहत 1990 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और जिसमें ये चीजों को सिलेक्ट किया गया और लेड पेट्रोल को भी लेड को ही हटाया गया कि लेड नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि ये पूरे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड, ठीक है ना, हवा में उड़ रहे हैं। अब अभी जैसे आपको लगता है बड़ा वायरस हवा में पूरा नुकसान हो जाए, लेड है, अब जिस जो गाड़ी नहीं चला रहा वो भी प्रभावित हो जाए, जो चला रहा है प्रभावित हो रहा है, इसको कोई देख कर तो छूट जाएगा। अब फिर फिल्टर लगाओ या मास्क पहनो, यही रास्ता। तो उस समय फिर पहले लेडेड पेट्रोल हटाया गया जो लेड इसका मेन दुश्मन था। तो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ओजोन या कार्बन। सर एक सवाल था सर। हाँ भैया एक सवाल था सर, आपने मेरा राइट हैंड नहीं देखा था। अरे सर ये जो फिर एक और पावर पेट्रोल चल रहा है जो मेथेनॉल के प्रदूषण होते हैं, अब कई प्रकार के होते हैं लेकिन हम प्रमुख रूप से पांच ही प्रकार के प्रदूषणों की चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा, शोर यानी नॉइज, अपशिष्ट यानी वेस्ट। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। आप लोग नोट्स दे दो। अच्छा वो तीन दे दिया मैंने, आप उसको अलग रखो किसी तीन से कि वो तीन से लगा दें। वायु प्रदूषण को वायुमंडल में एक या एक से अधिक हानिकारक प्रदूषकों की उपस्थिति जैसे धूल है, धुएं है, धुंध है, गैस है आदि के कारण मनुष्य, पौधे और जानवर को होने वाले प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह प्रदूषण का सबसे प्रमुख और खतरनाक रूप है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जहां जहां ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होगा ना NO2 NO3 तो वहां पे हम NOx दिखेंगे जिससे आप लोग उसको समझते चलेगा। सीसा यानी सीसा का मतलब लेड होता है तो इसकी हिंदी है सीसा, लेड, आर्सेनिक, एस्बेस्टस, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, धूल, डस्ट जिसे कहेंगे, सारे मुख्य रूप से वायु के प्रदूषण के तत्व हैं, एलिमेंट्स। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और खतरनाक गैसों के मिलने से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन यानी अलमीय वर्षा होती है। ये तो आपको समझाया ही है मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड में पढ़ाया है पूरा ना। प्रमुख खतरे जीवाश्म ईंधन जलाने से आता है। सबसे ज्यादा प्रमुख खतरा जो वायु में हो रहा है वो जीवाश्म ईंधन के जलाने से। जीवाश्म ईंधन तो आप समझ रहे हैं फॉसिल के फ्यूल्स को, जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, थर्मल पावर प्लांट, जिससे ऊर्जा उत्पादित किया जाता है, जल विद्युत योजना है, वो सारी योजना को इसके अंतर्गत रखा जाता है। थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ियां हैं, गाड़ी मोबाइल सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत रखा जाएगा, इनको इसके अंतर्गत कहा जाएगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक अन्य प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है जो स्मॉग का एक घटक है। सल्फर डाइऑक्साइड और इससे संबंधित रसायन मुख्य रूप से एसिड रेन के कारण के रूप में जाना जाता है। तो एसिड रेन के प्रमुख घटक के रूप में इसको माना जाता है। इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं जिसको दिक्कत है। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी सर। आवाज बहुत जोर हो गई या नॉर्मल? ये धीरे हो गई सर। हाँ, तो यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन कैटेगरी को फिर से देखें तो 0 से 50 तक है तो लेवल 1 यानी एक्सीलेंट है, 51 से 100 है तो गुड, 101 से 150 तो लेवल 3 यानी लाइटली पॉल्यूटेड बोला जाएगा, 151 से 200 तक है तो मॉडरेटली पॉल्यूटेड यानी पॉल्यूट काफी हो चुका है, मॉडरेट लेवल पे पहुंच चुका है, 201 से 300 लेवल 5 यानी
बहुत ज्यादा हैवी पॉल्यूशन देखा जा रहा है। अब बहुत जरूरी है ध्यान देने की, और अगर 300 के ऊपर पहुंच गया तो लेवल 6 यानी बहुत ज्यादा खतरे की बात हो चुकी है। पॉल्यूशन इस स्तर पे हो गया है कि आप डेथ लाइन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन कलर फॉर एक्सीलेंट, येलो कलर फॉर गुड, ऑरेंज कलर फॉर लाइटली पॉल्यूटेड, रेड मॉडरेटली पॉल्यूटेड यानी काफी हद तक पॉल्यूशन हो गया है, हैवीली ब्लू हैवीली पॉल्यूटेड यानी भयंकर पॉल्यूशन है, और ब्राउन या मरून कह सकते हैं, इसको ब्राउन नहीं मरून कहेंगे, मरून दैट इज बस अब डेथ लाइन पर पहुंच चुकी है, पॉल्यूशन की सीमा रेखा पार हो चुकी है। ये लेवल 1 2 3 आगे चाइनीज या जापानीज में क्या क्यों लिखा है हमें पता था, कोई ना कोई पूछेगा, वो जहां से मैंने नोट्स किया वहां पर ऐसे ही था फोटो फिगर, तो वो चाइनीज लैंग्वेज है, आपको उससे टेंशन नहीं लेना, आप हिंदी वाला पढ़ लीजिए, समय नहीं था उसको मुझे एडिट करने का इसलिए मैंने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत चाइनीज भी हम लोगों को आनी चाहिए ना, तो जापानीज और चाइनीज सीख लीजिए। ऑलराइट सर, सीवियरली पॉल्यूटेड सब ब्राउन होगा कि सर मरून मरून बोलेंगे हाँ मरून। ये मैंने आपको पॉल्यूशन के जो सभी लेवल थे वो बता दिए। अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट्स फाइंड इन एयर, यानी कि वो मेजर पॉल्यूटेंट्स जो हवा में पाए जाते हैं उन पर जो चीजें कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि कुछ चीजें भी छूट गई हैं, सीएफसी वगैरह हैं, उन पर चर्चा करना है। तो इनकी चर्चा कल मैं आपके साथ क्लास में स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट क्लियर, थैंक यू सर। ठीक है, एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम जस्ट ओपन योर वीडियोस। अल्पना ओपन योर वीडियोस। अल्पना आप क्लास में आज बहुत लेट में आए, रीजन क्लास शुरू होने के आधा घंटा बाद जो आएगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये नोटिस कर लीजिए। आप लोग आधे घंटे में आ जाइए, लेट आधा घंटा तक चलेगा, अब नियमावली कठोर हो रही है, क्लास शुरू होने के आधा घंटे बाद आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नोटिस कर लीजिए। ओके नाउ लेट मी वर्ड माधुरी, एनी प्रॉब्लम टू यू माधुरी? माधुरी नेटवर्क इशू? ओके एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? हाँ यशस्वी, एक छोटी सी प्यारी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम छोटी सी भी है प्यारी सी भी है, प्रॉब्लम भी प्यारी होती है। चलिए बताइए आपकी प्रॉब्लम कितनी प्यारी है। सर रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर टाइम पे स्टार्ट हो तो सर बहुत अच्छा लगेगा। क्लास 4 से 4:30 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, ये नोटिस कर लीजिए, 4 से 4:30 के बीच। 4:30 भी सर लेट हो जाता है थोड़ा, तो 5 बजे रख लीजिए कल से, 4 से 4:30 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये बट टाइमिंग नोटिस कर लीजिए। एनीथिंग एल्स? टाइम है आधे घंटे के बाद, ऑनलाइन की क्लास होती है, नेटवर्क रूटर टाइम लेता है, समय लेता है, सब सेटअप इनेबल करना पड़ता है, माइक लगाओ ये लगाओ तार लगाओ बहुत कुछ काम रहता है, तो वो 4 से 4:30 के टाइम, कभी 4 से भी शुरू हो सकती है 4:30 तक। और फिर ये भी करता हूँ लोगों को देख रहा हूँ आ रहे हैं, कोई 3 आ रहा है, कोई 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मैं एक हाफ एन आवर का टाइम ले लेता हूँ, लेकिन 4 बजे भी शुरू हो सकती है, आप लोग अपने राइट टाइम पे आने का प्रयास करिए। ऑलराइट चलिए, एनीबॉडी एल्स एनी क्वेश्चन? ओके माधुरी वंस मोर आर यू लिस्टिंग? माधुरी आवाज आ रही है? माधुरी क्वेश्चन मेरा था। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है बोलिए। सर ये जो आवाज आ रही है आपको मेरी आ रही है आवाज? आवाज अभी कट गई थी, अभी नहीं आई, फिर बोलिए क्या कह रहे हैं। मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आई, बोलिए, बोल दीजिए जल्दी से, शायद आ रहा है। हाँ आवाज जो कहना बोलिए। आवाज आ रही नहीं मेरी आपको? कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है, आज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी बोलिए एक बार को, शायद सुनने में आ जाए। सर ये क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप जो बता रहे थे अभी। हेलो। हाँ सर आवाज
जब सुनाई नहीं दे रही तो क्या बोलूं मैं? आवाज नहीं स्पष्ट हो रही है अजय, आवाज नहीं स्पष्ट हो रही है। चलिए बाद में प्रश्न करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा एक बार और, माधुरी आर यू गेटिंग माई वॉइस? माधुरी मेरी आवाज आ रही है आपको? माधुरी पैसा तुम माधुरी नहीं हो। माधुरी आ रही है। अच्छा बताइए कोई दिक्कत क्लास में, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सभी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, आज भी मैंने चार पेज पढ़ाए, कल भी चार पेज पढ़ाए, आठ पन्ने हो गए हैं आपसे, कल इन आठ पेजेस से क्वेश्चन करूंगा, लर्न करके आइएगा। ओके क्लियर? अब आवाज आई सर, अब आवाज आई मेरी? अरे आ गई अजी, आवाज आ गई आपकी, बोलिए। आ गई सर? हाँ आ गई। हेलो। हाँ बोलिए। ये जो ये अभी आप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे सर? जी जी अजय। हेलो। हाँ अजय बोलिए, आवाज आ रही। अभी जो हमारे हमारे यहाँ एटमोसफेयर में जो इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, आदमी को अस्थमा, दमा, सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हैं, इसका कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स ही है। तो ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें कम करना चाहिए, तो ये दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्या उसका तरीका है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के मेजरमेंट में आठ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो मेन रोल अदा करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, आठ पॉल्यूटेंट्स के विषय में दिखाया, नोट्स में आपको दिखाता हूं, अभी मैंने आपको नोट्स दिखाया था। हाँ नोट्स दिख रहा है आपको? हाँ सर। एक मिनट, दिख रहा है सर? पेज पेज नंबर 34 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, इस पेज में इस पेज में मैंने अभी आपको दिखाया कि आठ ऐसी प्रदूषक हैं। आपने कहा कि इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनका मेजरमेंट आठ प्रदूषक, इन प्रदूषकों का नाम रखा गया है PM10, PM2.5, फिर नाइट्रोजन NO2 जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, देन आफ्टर नाइट्राइड्स नाइट्रेट्स, और फिर उसके बाद लेड। इनमें से कुछ गैसेस तो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, जो कुछ नहीं पढ़ाई है उनको कल स्टार्ट करूंगा। आपने कहा इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इनका मेजरमेंट यही देख के किया जाता है कि एटमॉस्फेयर में इनका लेवल क्या है, और इसी लेवल के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया जाता है कि पॉल्यूशन लेवल कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, ये मेजर कर लिया जाता है। समझ रहे ना आप ये बात? आपको इसी के हिसाब से हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 डिटेक्ट करते हैं। एकदम सीधी बात करेंगे, जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं, तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, सामान्य रूप से पहले दवा लिखेगा, तो आपने खाया, आराम नहीं मिला, फिर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहता है ऐसा है कि ब्लड टेस्ट कराइए, आप ये ब्लड टेस्ट कराइए और हमको पता चल जाए। तो आपकी बॉडी के अंतर्गत जो लेवल है, जो आपका ब्लड लेवल है, ब्लड के अंतर्गत जो सेल्स हैं, उनका सेल्स की मात्रा कौन बढ़ गई है, कौन घट गई है, वो देखना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो इलाज कर देता है, आपको दवा दे देता है, आपको ऐसे चीजें इंस्ट्रक्शन करता है जिससे आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर हो जाए। ऐसे ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण में ये जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा घातक हैं। ऐसा नहीं कि अन्य नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा घातक है। घातक होने में पैन भी है और भी तत्व हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा माना गया है। तो इन तत्वों को कैसे सुधार किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ओवरटेक किया जाए, इनको कैसे रिड्यूस किया जाए, यही योजनाएं बनाई जा रही है। ठीक है ना जी, क्लियर? ओके अजय क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए शिवानी आपको कोई क्वेश्चन? शिवानी आपका कोई क्वेश्चन? ओके और
कृति आपके लिए गुड न्यूज है, आपका पेपर पब्लिश हो गया है, आपका पेपर मैंने भेज दिया, एक्सेप्ट हो गया था और इस समय पब्लिशर ने हमें मैसेज कर दिया है कि पब्लिश हो गया है। वो थोड़े व्यस्त हैं तो इसलिए हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर आज या कल तक हमें दे देंगे और पेपर भी एक दो दिन के अंदर वो हमें सेंड कर। आपने पेपर बहुत सुंदर लिखा है, पैंडेमिक में इतना अच्छा पेपर पैंडेमिक के ऊपर बनाया है, अप्लाइकेबल था और मैं ये पेपर सबको शेयर करूंगा। कर दूं आपका पेपर शेयर सर? एकदम सर कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ तो कुछ है ही नहीं। रेफरेंस मैंने अपनी ओर से दो तीन ऐड कर दिया था, रेफरेंस नहीं था आपके में, आपने जो कुछ करी तो उनको ऐड कर दिया था। पेपर्स बहुत बढ़िया लिखा गया है पैंडेमिक के ऊपर, सभी लोग इसको रीड करिएगा। चलिए फिर इसी के साथ क्लास को एंड कर रहा हूँ आज की क्लास। ऑलराइट, चार से साढ़े चार के बीच में सब लोग उपस्थित हो जाएं, मैं कल फिर आगे इसके पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, रखता हूँ। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।